राज्य गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश। विघ्नहर्ता गणेश के रहते हुए भी बहुत सारे व्यापार में बहुत बार रोक लग जाता है। रोक इसलिए लगता है क्योंकि बहुत लोगों का राइवल्स होते हैं जो काला जादू करवाते हैं या छोटे मोटे टोटके करवाते हैं। बहुत लोगों को नज़र लगता है क्योंकि उनका ऑरा कमज़ोर होता है। बहुत तरह के भिन्न भिन्न बातें होती हैं। तो आज जो मंत्र मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा मंत्र है जो कि रामायण काल से चला आ रहा है। इस मंत्र का ये खासियत है, इसके लिए आपको कोई तांत्रिक किसी अघोरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस मंत्र का जाप करना है और आप किसी भी तरीके का तंत्र जो आपके व्यापार में हुआ होगा उसको काट सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये मंत्र का एक अपना महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ये सुग्रीव द्वारा रचित मंत्र है। आप सबने सुग्रीव और बाली युद्ध के बारे में जाना होगा। बाली के डर से सुग्रीव छिपे फिरते थे और बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से रावण एक प्रकांड तांत्रिक था, वैसे ही सुग्रीव एक प्रकांड तांत्रिक हुए। जब रावण राम का युद्ध हुआ तो राक्षस तो मायावी थे ही, सभी राक्षसों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे कि माया चारों तरफ फैली रही। राम की सेना में दो ऐसे लोग थे जो कि इस माया से लड़ सकते थे, जिसमें एक श्री हनुमान थे जिनके पास तो रुद्र का अपनी ताकत थी, रुद्र अवतार थे वो। दूसरा अपने तांत्रिक विद्या और अपनी सिद्धियों से जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की वो थे सुग्रीव। सुग्रीव के मंत्रों का एक पूरा ग्रंथ है, उसी में से एक मंत्र मैं आपको आज बता रहा हूँ। जब आप लोगों पर व्यापार बंद लगे, ठीक है, तो एक मुट्ठी चावल ले लीजिएगा, मतलब चावल मतलब अरवा चावल बोलते हैं जिसको अक्षत भी बोलते हैं, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और मंत्र है ओम सुग्रीवाय जने वह तराय स्वाहा डाकनी दिशा बंध पुत्र रक्षा च प्रवश्य प्रवश्य। ओम सुग्रीवाय जने वह तराय स्वाहा डाकनी दिशा बंध पुत्र रक्षा च प्रवश्य प्रवश्य। इस मंत्र को 108 बार पढ़िएगा और अपने गुरु का नाम लेकर के अपने व्यापार में जो भी स्थान है उसके दक्षिण दिशा की तरफ इस अक्षत को फेंक दीजिएगा। ऐसा करते ही जो भी आपके ऊपर व्यापार बंद लगा है वो व्यापार बंद उसी समय खत्म हो जाता है। सुग्रीव जी के रहने से जितने तरीके का बंधन मायावी राक्षस लगाते थे श्री राम के सेना पर, वो सब खत्म हो जाता था। उसी में से ये एक तो देखो, पहले ज़माने में जितने भी तांत्रिक हुए ना, वो अपना नाम ज़रूर रखते थे अपने मंत्र में, इससे मंत्र का प्रभाव बढ़ता था। जैसे हम लोगों के मंत्र में आप देखोगे कि दुहाई देते हैं हम लोग अपने गुरुओं की, उसी तरीके से जो संस्कृत मंत्र उसमें भी जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनका ये निशान होता है कि कोई भी जो मंत्र हम बोलेंगे उसमें जिसने उस मंत्र को पहली बार सिद्ध किया उसका नाम होता है। रामायण में आप लोगों में से शायद कुछ जानते भी होंगे, रामायण में बहुत सारा तंत्र है, रामायण की बहुत सारी चौपाइयाँ तंत्र हैं। जैसे एक मैंने और वीडियो डालना है जिसमें कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब नहीं लग रहा है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में एक रामायण का श्लोक है वो आप बोल करके जाइएगा तो आपका वो इंटरव्यू हमेशा सफल रहेगा। या किसी और कार्य के लिए जा रहे हैं तो उस मंत्र से जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हो वो कार्य सफल होता है। आज के लिए इतना ही, श्री राम की कृपा आप पे बनी रहे। अगला साधना शिविर शिवपुरी में अगले महीने 13-14 तारीख को हो रहा है, वेबसाइट पे जाइएगा, इवेंट सेक्शन में उसका रजिस्ट्रेशन दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिनको साधना का बेसिक सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जिनको भूत प्रेतों पे इंटरेस्ट है वो मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेजन और फ्लिपकार्ट से पूरी दुनिया में खरीद सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, आपको मेरा नाम मिलेगा, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरे वेबसाइट पे जाइएगा, अपॉइंटमेंट सेक्शन है, वहाँ से मुझसे आप बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, श्री राम और हनुमान आपकी कृपा बनाए रखें, आपको किसी भी तरह के काले जादू का प्रभाव ना पड़े, ऐसे मेरे काम है। आप सभी का आदेश आदेश अलग।